वेलकम टू माय KZE व्लॉग्स। तो हमने लैंड किया है और ये यहाँ पे कुछ इस तरह से होर्स वगैरह खड़े हुए हैं और कुछ गेमिंग हो रही है और मैं यहाँ पे बहुत बुरे तरीके से गिरते गिरते बची हूँ, बट चले बैठते हैं और निकलते हैं। इसका सफर जो है वो हमारा शुरू हो चुका है और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सारे होर्स वगैरह खड़े हुए हैं और यहाँ काउज भी हैं काफ़ी सारी। मज़े का सीन है। तो हुआ कुछ ऐसे, जब मैं उतर गई तो मैं साइड पे आ रही थी और फिर वो पीछे से दोबारा ये आई है लिफ्ट चलती हुई और उसने मुझे ज़ोर से हिट किया, बट सब इतने सारे जो लोग खड़े हैं उन सब ने बुरे तरीके से शोर मचाना शुरू कर दिया था कि हो, बट मैंने खुद को बहुत अच्छे तरीके से कैरी करके संभाल लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं सेव हूँ, वरना मुझे बहुत बुरे तरीके से लिफ्ट ये जो है ना लिफ्ट वो लगने वाली थी, बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ मैं और आपके सामने हूँ। और वापसी का सफ़र हमने जो है वो शुरू कर दिया है। अब जो है बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारी सीनिक एरिया है, वो अब हम सारा यहाँ से कैप्चर करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि वाकई यहाँ की जो सीनरी है ना वो बहुत ही कमाल की है। आते हुए कुछ और थी लेकिन जाते हुए कुछ और है, बट बहुत ही कमाल की। तो बस देखते हैं हमें जाते हुए डर लगता है या नहीं, जैसे कि वो भाई साहब कह रहे थे कि वापसी पर पता चलेगा। तो बस हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए और वीडियो को इसी तरह से एंजॉय करते रहें जिस तरह से हम इस टूर को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, इस जर्नी को हम एंजॉय कर रहे हैं। और ये हसीन वादियों को देखकर खो जाने का दिल करता है, वाकई बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा। और ये आई थिंक सबसे टॉप पॉइंट था। तो बस हम चलते हैं, ये देखें और लोग आ रहे हैं मज़े से एंजॉय करते हुए आ रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं। यार ये आया व्यू पॉइंट, मैं आपको ये दिखाती हूँ सामने से कैप्चर। गॉड, दिस इज़ अ व्यू यार, टॉप क्लास व्यू, बहुत ही सीनी और देखने में तो बाकी बहुत ख़तरनाक लग रहा है। सही कह रहा था वो कि जो ना जब वापस जाओगे ना तब पता चलेगा, लेकिन यार अगर इतना खूबसूरत व्यू अगर आपको देखने को मिलता है ना तो फिर तो यार बनता है आना, क्यों बंदा ना आए। और यहाँ पे देखें ये लोगों के रिहाइशी हैं जो यार इतने टॉप पे रहते हैं, इन लोगों को सल्यूट है, ये किस तरह से रेगुलरली अपना आना और जाना करते होंगे। और यहाँ पे ये कुछ फ्रूट्स का, फर्स्ट टाइम मुझे मरी में फ्रूट्स का कोई ट्री नज़र आया है, एक इस साइड पे है, ये क्या चीज़ है मुझे नहीं पता। और ये दूसरे साइड के ऊपर जो है वो एप्पल लगा हुआ है, ये देखें यार ये कैसे रहते हैं यहाँ पे, देखकर ही जो ना बस होता है कि यार कैसी इन लोगों की ज़िंदगी है। लेकिन देखें हम लोगों से अच्छे रहते हैं ये लोग, इन लोगों की ज़िंदगी में कोई टेंशन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, क्योंकि ये लोग उन चीज़ों से बहुत दूर हैं जिन चीज़ों के हम बहुत ज़्यादा करीब हैं और हम उनमें टेंशन का शिकार होकर रहते हैं। तो ये देखें यार खूबसूरत, यार बहुत ही कमाल का व्यू है माशाल्लाह से। तो बस यहाँ पर वाकई मुंह से निकलता है बार बार, ना भी चाहो तो भी निकलेगा, वैसे ना क्यों नहीं चाहेंगे, निकलना तो बनता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये हमारे खुदा की कुदरत है माशाल्लाह से। यार क्या खूबसूरत नेचर है देखें ज़रा। और ये यहाँ पर टॉप क्लास लोगों के घर बने हुए इतनी हाइट के ऊपर, आप इन लोगों ने ज़ाहिर अपने लिए कोई इंतज़ाम तो किया हुआ है, रास्ते वास्ते बनाए हुए होंगे जहाँ से ये अपना रोज़मर्रा के काम के लिए निकलते हैं, गुजर बसर करते हैं। काफ़ी सारे घर बने हुए यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप लोग बड़े क्लियरली नज़र आ रहे हैं यहाँ से। मुझे नहीं पता ये बार बार क्यों रुक रही है, लेकिन ये रुक रही है। ये नीचे जा रहे हैं हम, छटके भी देते हैं, शेक करती है दो तीन जगह पे ये काफ़ी हद तक के। लेकिन ये यार नो डाउट काफ़ी मज़े की सीनरी है, इन्जॉय कर रहे हैं हम, काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं और आई होप कि आप लोग भी बहुत इन्जॉय करेंगे इस वीडियो को देख के वैसे ही ठीक जैसे मैं इन्जॉय कर रही हूँ। क्योंकि यार मैं कई बार टूर की हैं, कई बार आई हूँ, लेकिन ये वाली चीज़ ना मैंने कभी भी नहीं की थी। ये एडवेंचर मेरे लिए, मेरी लाइफ का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है और जो कि बड़ा ही कोई अच्छा रहा है। इतनी खूबसूरती यार माशाल्लाह से देखें यार खूबसूरत, वो एक और घर बना हुआ नज़र आ रहा है वहाँ पे, ये देखें यार क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। वो वहाँ पर भी एक घर बना हुआ है, वहाँ पे भी लोग रहते हैं, वो सब जगह पर, वो पहाड़ों के ऊपर ऊपर तक वहाँ पर, वो बिल्कुल टॉप पॉइंट नज़र आ रहा है, वहाँ पर भी काफ़ी सारे घर बने हुए, लोग रहते हैं। भाई कैसे रह लेते हैं, कैसे रेगुलरली आना जाना लोग करते हैं, समझ से बाहर है। हमारे तो बाकी समझ से बाहर है, शहर में रहने वाले लोग हम कैसे समझेंगे कि यार ये लोग कैसे वहाँ पे घर बनाते हैं और रहते हैं। लेकिन यार जो भी है कमाल है, कमाल है, कमाल है भाई कमाल माशाल्लाह। ये एक और ट्रैक नज़र आया है यहाँ से बना हुआ हमें,
लेकिन वो जो कह रहे थे ना वापसी पे आओगे पता चलेगा, वापसी पे यार डर वर तो ऑनेस्टली बिल्कुल भी नहीं लगा। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सीनरी देखने को ज़रूर मिल रही है, जिस पे मैं अपने खुदा का बहुत 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 शुक्र अदा करती हूँ कि यार उसने हमें इस लायक बनाया, इस काबिल बनाया है कि उसकी बनाई हुई हर एक चीज़ को हम जो है वो देख सकते हैं। जब उसने ज़मीन पे हमें इतनी हसीन जन्नत अता फरमाई है, तो सोचो जो जन्नत उसके पास है वो कितनी हसीन होगी। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप लोग, हम बस जा रहे हैं वापसी की तरफ। अच्छी खासी धूप हो रही है यार, आज तो हालत बुरी हो गई है, धूप भी है अच्छी खासी, हालांकि ऊपर के साइड पे काफ़ी ज़्यादा ठंड और फोग वगैरह नज़र आ रही है, बट धूप भी अच्छी खासी सीधी फेस के ऊपर आ रही है। जी तो हम आ चुके हैं वापस, आई थिंक हम इस स्टैंड को जो है वो उठा देते हैं ताकि हम जल्दी से भागकर यहाँ से उतर सकें। उतर तो मैं वहाँ भी गई थी, बट वो जो पीछे से आ रही थी ना, मैं उसी ट्रैक के ऊपर थी और वो पीछे से मुझे उसने हिट कर दिया था। तो चलें वापसी की तरफ हम आ चुके हैं और फिर और कुछ चीज़ें करते हैं, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। जी तो हम जो है ना भागते हुए उतर गए, वरना तो हमने जो है ना फिर दोबारा गिरना था, और हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। तो ये देख सकते हैं आप, ये पूरा एडवेंचर पार्क है साइड में, यहाँ पर ये सारी शॉपिंग के लिए भी मार्केट्स बनी हुई है पूरी प्रॉपर, कि यहाँ से आपको ज़रूरत की हर वो चीज़ मिल सकती है जो आपको चाहिए है। छोटी सी मार्केट के स्टॉल्स बने हुए हैं यहाँ पे, बाकी सारा एडवेंचर पार्क पूरी वहाँ से वहाँ तक की मार्केट है ये बनी हुई बेसिकली, बच्चों के लिए झूले हॉर्स राइड सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। तो जिनके साथ बच्चे हैं वो लोग तो यहाँ पर काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं, जिनके साथ बच्चे नहीं हैं वो इंजॉय भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। हो रही है यहाँ पर, तो हमने सोचा चलो थोड़ी सी आइसक्रीम खा ली जाए, तो हम यहाँ से आइसक्रीम ले रहे हैं, दो खाते हैं। तो हम प्रटियाटा चेयर लिफ्ट से आ चुके हैं, मैकडोनल्ड पहुँच रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी शदीद भूख लगी हुई है, रास्ते में था ये, तो हमने सोचा चलो यहीं पर खाना खा लेते हैं और फिर वापसी की तरफ जाएंगे माल रोड की तरफ। तो बस अंदर चलते हैं, अपना ऑर्डर देते हैं और खाना खाते हैं। वेदर देखें कितना मज़े का हो रहा है यहाँ का, नीचे इतनी गर्मी थी जिसकी कोई हद नहीं। तो आज हम आए हैं मैकडोनल्ड पे, रास्ते में था तो हमने सोचा यहीं पे रुक कर खाना खा लेते हैं। तो आज हमने सोचा कि यार मैकडोनल्ड में हमेशा अंदर ही बैठ के खाना खाया, क्यों ना आज बाहर बैठ के वेदर को एंजॉय करते हुए फिर खाना खाया जाए। तो जी हम बैठे हैं आज बाहर, यहाँ पे बैठ के हम खाना खाएंगे, बड़ा खूबसूरत सा वेदर हो रहा है जैसे कि आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा, क्या सारा वाइट वाइट आ रहा है, इतना अच्छा नहीं आ रहा व्यू, पीछे मेरे एक वो आर्मी का प्लेन खड़ा है, रोड चल रही है, काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो हमने सोचा आज यहाँ पर हम बाहर बैठ के डिनर करेंगे और इस वेदर को एंजॉय करेंगे। इन पहाड़ों के बीच में खड़ा हुआ ये आर्मी का जहाज़ कितना ही खूबसूरत लग रहा है यार, देखें तो अलग ही खूबसूरती आ रही है इसके चारों तरफ, पहाड़ बादल से घिरा हुआ है, ठंड हो रही है और ये माशाल्लाह से यहाँ आर्मी का जहाज़ खड़ा हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। ये हमारी मैकडोनल्ड मील आ चुकी है, तो हम इसको जल्दी से खा लेते हैं कि बहुत भूख लगी हुई है। फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं वापस अपने होटल में, काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं आज, हमने चेयर लिफ्ट को काफ़ी इन्जॉय किया और इससे ज़्यादा हम कहीं गए नहीं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और गर्मी बहुत ही ज़्यादा शदीद गर्मी हो रही थी, तो बहुत बुरी हालत हो गई थी और सफ़र भी काफ़ी ज़्यादा था, फिर हाइकिंग भी करनी पड़ती तो हालत हो जाती है बहुत बुरी। तो बस अब हम आ चुके हैं अपने होटल में, तो इस वीडियो को हम बस यहीं पर करते हैं। एंड ये मेरे पीछे का व्यू है, नीचे काफ़ी गर्मी थी, ऊपर आए तो सारा ये सीन है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ना लोगों के घर नज़र आ रहे हैं, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, चारों तरफ फॉगी फॉगी। तो बस इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। Goodbye, my friends. Take care. I upload new video tomorrow. Support me, guys.